वालेकुम नमस्कार, मेरा नाम मोइन खान और आज एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं फिर एक बार हाजिर हो गया हूँ एक ऐसा उपाय लेकर जिसको करके किसी भी दो लोगों को हमेशा हमेशा एक दूसरे से दूर कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है नींबू और इस नींबू के माध्यम से कैसे आप किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर करके, एक दूसरे से अलग करके, एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हो और दो लोगों में हमेशा हमेशा के लिए अनबन करवा कर उनमें लड़ाई झगड़ा करवा सकते हो। तो इतना आसान ये उपाय है। सबसे आसान इस उपाय को एक बार बहुत आसानी के साथ आपको करना है। एक बार अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीनन किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए घर बैठे बैठे अलग कर सकते हो, एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हो। इतना आसान ये उपाय है। कैसे आपको उपाय करना है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक आपको नींबू ले लेना है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आपको नींबू पर लिख लेना है नाम जिस भी दो लोगों को आपको अलग करना है। देखिए कोई भी दो लोग जब तक अलग नहीं होंगे जब तक आपका एक मुख्य कारण नहीं होगा और उनसे रिश्ता नहीं होगा कोई भी। भाई आपका पार्टनर या तो उन दोनों में से एक होना चाहिए जिसको आप अलग करना चाहते हो, या आपका साथी होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए, पति होना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में से कोई ना कोई रिश्ता उसके साथ आपका होना चाहिए। एक पर्पज़ आपका होना चाहिए कि हाँ मैं इस वजह से अलग करना चाहती हूँ और अच्छे जायज़ मकसद के लिए, अच्छे काम के लिए। तो उपाय आपको कैसे करना है देखिए, एक आपको नींबू ले लेना है। एक नींबू लेने के बाद आपको लिखना है प्रिया जिसको अलग करना है, लड़की का नाम है प्रिया, प्रिया प्लस माँ का नाम, और उसके बाद आपको इस तरीके से क्रॉस बनाना है। सभी क्रॉस के जो बॉक्स होंगे इसमें मैं, जय, ने और यहाँ से, इस तरीके से आपको नाम लिख लेना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर लिखना है मोहित, तो यह लिखना है मैं ओ है ई ते मोहित, इस तरीके से आपको लिखना है मोहित प्लस माँ का नाम। ऐसा आपने लिख लिया जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए सिंपल सा बहुत ही आसान उपाय है। आप तो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका कि एक बार करने से कितना आपको आसानी से इस उपाय को आप कर सकते हैं और साधारण ये उपाय है। ऐसा करने के बाद आपको इस ये जो आप नींबू देख रहे हैं ऐसा नींबू रखने के बाद देखिए इस नींबू को क्या करना है। सच्चे मन से चलते हुए पानी में जहाँ पर भी आपको जाना है, देखिए 5 या 10 या 20 किलोमीटर भी होगा तो भी जाना पड़ेगा आपको वहाँ पर चलते हुए पानी के पास, क्योंकि ये उपाय आपको तभी बेनिफिट देगा जब आप चलते हुए पानी में जाओगे। अब आपको क्या करना है, चलते हुए पानी के पास जाके अपने हाथों से ही इसको चलते हुए पानी में फेंकना है और आपको भी क्या बोलना है, शिया और रिया, प्रिया और मोहित एक दूसरे से दूर हो जाए, अलग हो जाए। सिंपल भाषा में 7 बार बोलिए बस, और इस पर थूक दीजिए नींबू पर यहाँ पर और इसको चलते हुए पानी में बहा दीजिए। बस ऐसा करने से यकीनन किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए आप एक दूसरे से दूर कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ये जितनी दूर बहता हुआ जाएगा उतनी ही दूरियां दो लोगों के मन के अंदर स्टार्ट होंगी और वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो उपाय कीजिए, फ़ायदे लीजिए। नमस्कार।